हराम का लुकमा आपके पेट में है, आप हराम कमाते हैं, हराम खाते हैं, गौसे आजम की चौखट से भी फैज नहीं मिलेगा। गौसे आजम की चौखट तो गौसे आजम की चौखट रही। सुनो अपने महबूब का फरमान। एक बंदा लंबा सफर करके, मुसीबतें सऊबतें रास्ते की काट के हरम के सेहन में जा खड़ा होता है। बाल बिखरे हुए हैं, लिबास फटा हुआ है, हालत परा गंदा है। यमुद्दु यदैहि, दोनों हाथ लंबे कर करके दुआएं मांगता है। वह मतअमुहु हरामुन, वह मशरबहु हरामुन, वह मलबसहु हरामुन, वह गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। उसका खाया हराम का है, उसका पिया हराम का है, उसने जो लिबास पहना है वो हराम का है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, बताओ उसकी दुआ हरम में कैसे कबूल होगी। काबे में पहुंच गया, गुलाफ से लिपट के दुआएं मांग रहा है। ये मुद्दो यदय है, हाथ लंबे लंबे करके दुआएं मांग रहा है। बाल बिखरे हैं, फकीराना हालत बनी है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन खाना हराम का है, पीना हराम का है, लोगों के पैसे हड़प करके उमरा करने आया है, लोगों से ज्यादती करके, गरीबों का माल समेट करके, खून निचोड़ करके ये हज करने आया है। मेरे हुजूर ने फरमाया, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, काबे में भी कबूल नहीं होगी। तो ये बुनियादी शर्त है। जब भी रिस्क नापाक होता है तो बातन उजड़ जाता है, इसलिए हमेशा अपने रिस्क की पाकीजगी का पूरा पूरा लिहाज रखें। हमारे सूफिया ने इस बात का बहुत इल्तिज़ाम किया कि उनके पेट में कोई मशकूक लुकमा भी जाने ना पाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस हवाले से इतनी रोशन रखी, अपना रिस्क इतना पाक रखा, रिस्क के ज़राए इतने पाक रखे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल तशरीफ़ फरमाते, एक खातून आई पर्दे में लिपटी हुई, हज़रत एक मसला पूछने आई हूँ। पूछिए। फरमाया कि मैं सूत काटती हूँ और बाज़ार में बेच के अपनी ज़ुरियात को पूरा करती हूँ। जब चांदनी रातें होती हैं या कभी बादशाह की सवारी गुजरती है तो माहौल में रोशनी हो जाती है, तो रात को भी काट लेती हूँ। लेकिन जो रात को काटा हुआ सूत है और दिन के उजाले में काटा हुआ सूत है, उन दोनों की क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो क्या मैं रात वाले काटे हुए सूत को दिन वाले सूत में मिला के फरोख्त कर सकती हूँ? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने सुना तो फरमाया, खातून अपना तारुफ करवाओ, कौन हो? खातून ने कहा, साहिल की ज़ात नहीं पूछी जाती, आप मुझे बताएं मसला क्या है। फरमाया, नहीं, बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं साहिल की हैसियत से मसले की नौइयत बदलती, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम कौन हो। उसने कहा, बिशर हाफी की हमशीरा हूं। कहा, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। मैं और आप देखें कि हमारा रिस्क कहां से आता है, ज़राए रिस्क क्या है। हराम रिस्क तो नहीं कमाते, मशकूक रिस्क तो नहीं है, झूठ बोल के झूठी कस्में खा करके सौदा तो नहीं बेचते, हलाल हराम की तमीज किए बगैर माल जमा करने के चक्कर में तो नहीं लगे हुए। साहेब, अगर रिस्क पाक नहीं है तो कहीं से भी कोई रोशनी आपके अंदर दाखिल नहीं होगी।